सकता है जिन्हें आप देख रहे हो उनमें से ज्यादातर को आप या आपके आसपास के लोग अपना धर्म गुरु भगवान का रूप या लिविंग गॉड मानते थे। श्री सत्य साई बाबा। पर वक्त के साथ साथ ये फेक गॉडमैन अक्यूज्ड ऑफ सीरियस क्राइम, रेपिस्ट और मर्डरर निकले। वहाँ पर एक 16-17 साल की लड़की इसके टेंट में इसने बुलाई और उसके साथ रेप किया, और ये आवाजें मेरे कानों ने सुनी थी। 200-250 लड़कियों को से ज्यादा इस आदमी ने रेप किए हैं। क्यों बात करे, सर पे हाथ रखे और हाथ रखते रखते वो बैक के पीछे, मतलब यू नो बैक पे हाथ रखे प्लस मेरे थाइस पे हाथ मार दे। पर कुछ सालों पहले इनकी जनसभाएं, बड़े बड़े आश्रम, करोड़ों की फॉलोइंग, इनके बनाए गए एम्पायर की किसी को भनक तक नहीं थी। पर ऐसा क्या किया इन्होंने कि करोड़ों अरबों के मालिक बन गए? जवाब है, आपकी आस्था का फायदा उठाया। हर कुछ सालों में कुछ नए बाबा उभर कर आते हैं और हम अंधों की तरह उनका अनुसरण करते चले जाते हैं। आसाराम, राम रहीम, सत्य साई, नित्यानंद, क्या इस सूची में अगला नाम बागेश्वर धाम हो सकता है? पर आगे बढ़ने से पहले हम ये डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि हमारा मोटिव किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि उन लोगों पर सवाल उठाना है जो धर्म के नाम पर अपना अपना धंधा खोलकर बैठे। 2017 में जो हिंदू साधुओं की टॉप बॉडी है अखिल अखाड़ा परिषद, उन्होंने 14 फेक बाबाओं की लिस्ट जारी की थी। इस परिषद के प्रेसिडेंट ने यह भी कहा था कि ऐसे पाखंडियों से बच के रहे क्योंकि ये साधुओं का नाम खराब कर रहे। कोई हमें संत कहता है, कोई कहता है फरिश्ता, कोई कहता है गुरु, तो कोई कहता है भगवान, लेकिन हम तो हैं सिर्फ एक इंसान। तमारो नरेंद्र मोदी, पूज्य आशराम बापू नो नरेंद्र, एमना चरणों में आशीर्वाद माटे लेवा आयो छे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साइंटिस्ट एंड देयर थियरीज आई एम डिबंकिंग। E equal to not MC square, cannot be MC square. आजकल दो दिन से तो हम खूब वायरल हो रहे भैया। आज इंडिया के 90% लोग स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। उनमें से 80% लोगों का कहना है कि वो अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करने से कतराते हैं। ऐसे सिनेरियोज में एक बाबा साइकोलॉजिस्ट, फैमिली कंसल्टेंट और गुरु का रोल निभाता है, और ये बाबा संपर्क में आए हुए लोगों की हैबिट्स और एक्टिविटीज कुछ इस तरह से चेंज करते हैं कि उनका डेली रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाता है, और धीरे धीरे लोगों के दिमाग में स्टोरीज के थ्रू ये फीड कराया जाता है कि बाबा खुद भगवान का अवतार है या भगवान की वाणी को सच करने का शुभ काम कर रहे हैं। ठीक ऐसा ही असुमल सर मलानी हर पलानी, जिसे उसके अंध भक्तों ने आसाराम बापू का नाम दिया। पूज्य बापू ना चरणों में नतमस्तक थे ने कहू छो क्या अपना आशीर्वाद में सामर्थ्य छे। वन ऑफ द फेक फ्रॉड रिलीजियस गुरु इन इंडिया, जो 2013 से आजीवन कारावास के लिए जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है एक 16 साल की माइनर के रेप के लिए, जिसको बाबा अपने एकांत कुटिया में लेकर गया था भूत भगाने के बहाने से, जबकि उस लड़की के पेरेंट्स बाहर ही इंतजार कर रहे हैं। रेप एलिगेशंस लगने के बाद कई स्ट्रिंग ऑपरेशन करे गए, जिसके बाद एक गुरु के चेहरे के पीछे छुपा हैवान का चेहरा लोगों के सामने आने लगा। एक आसाराम बापू 2013 से अरेस्टेड है और आज 2023 में भी उन्हें कितने सारे भक्त पूछते हैं और मानते हैं कि बाबा को फंसाया गया है, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस। ठीक ऐसा ही केस और बाबाओं के केस में भी देखा गया है। दिल्ली में 14 साल की बच्ची को उसके माता पिता समर वेकेशन में एक बाबा के पास लेकर जाया करते थे, वीरेंद्र देव दीक्षित। एक रात 11 बजे बाबा अपना असिस्टेंट बच्ची के पास भेजता है और बच्ची को बताया जाता है कि बाबा उसे अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं अकेले में। इसके बाद क्या हुआ होगा उसका अनुमान आप खुद लगा सकते हैं। जब बच्ची के पेरेंट्स ने कंप्लेन करने की कोशिश की तो वहां के आश्रम के लोगों ने उनसे कहा कि आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो बाबा का आशीर्वाद मिला है, आपको भगवान ने छुआ है। अंधभक्त ये विश्वास ही नहीं करते कि उनका बाबा कुछ गलत भी कर सकता है। वीरेंद्र देव दीक्षित में आपका विश्वास है बाबा जो है? हाँ, मेरा तो है, बाबा की भरपूरी जो मैंने महसूस किया शिव पिता को। 25 अगस्त 2017 में गुरमीत राम रहीम सिंह पर कोर्ट के फैसले आने पर उसके अंध भक्तों ने अपने पापी बाबा को जेल जाने से बचाने के लिए दंगे तक करवा दिए थे। गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान, AKA मैसेंजर ऑफ गॉड। डेरा सच्चा सौदा, जो राम रहीम सिंह का डेरा है, वो लोगों को अपना फील कराने के लिए सभी को एक कॉमन सरनेम देता है, इंसान।
और डेरा में हर धर्म के लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कि इसका नाम गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान। इसने बहुत ही चालाकी से अपने नाम में हिंदू, मुस्लिम और सिख इस्तेमाल किया है। इसके कारण से इस बाबा की कुछ ही सालों में बहुत बड़ी फॉलोइंग बन गई थी। ये बाबा समय समय पर हास्यजनक हरकतें करता रहता है, जैसे कि मैसेंजर ऑफ गॉड मूवी में चमकीले कपड़े पहनकर अपने आप को भगवान का दूत बताना। कोई हमें संत कहता है, कोई कहता है फरिश्ता, कोई कहता है गुरु, तो कोई कहता है भगवान, लेकिन हम तो हैं सिर्फ एक इंसान। और हजारों लोगों के सामने लाइव कॉन्सर्ट करता है। पर आज ये रॉक स्टार बाबा दो लड़कियों के रेप और दो मर्डर के केस में आजीवन कारावास काट रहा है। डेरा में राम रहीम ने लड़कियों के लिए स्कूल और हॉस्टल तक खोल रखे थे। लोग अपनी बच्चियों को वहां पढ़ने भेजा करते थे तथा भारी फंडिंग तक करते थे। इसी आश्रम में उन बच्चियों की शादी भी कराई जाती थी। उनका इस तरह से माइंड वॉश किया जाता था कि लोगों को राम रहीम में अपना भगवान तक नजर आने लगा था। इसने अपने आश्रम में गुफा बना करके रखी थी और वहां साध्वी और इसके स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को बुलाकर उनके साथ जबरदस्ती करता था। साथ ही साथ इसने वहां रहने वाले मर्दों को जबरदस्ती नपुंसक बना दिया था। जो मेरा बचपन है वो तो बाबा खा गया, वो बाबा ले गया वहां से, वो बचपन नहीं आएगा और जवानी के जो कुछ पल हैं वो भी ले गया मेरे बाबा। बलात्कारी राम रहीम का वो अश्लील खेल जो बिग बॉस की तर्ज पर खेला जाता था और इस खेल में उसकी पार्टनर थी हनीप्रीत। एक औरत हनीप्रीत जिसे बाबा समाज के सामने अपनी बेटी बताता था, जो उसकी फिल्मों की हीरोइन होती थी, उसके साथ एक नाजायज संबंध में था। पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, जब बोध का वर्ड आया, जो हनीप्रीत है ना तो वो आज बाबा की बेटी है किसी भी रूप में। आज मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ मैं अपनी वाइफ के खिलाफ कर रहा हूँ, वो उसकी लड़की नहीं है। इन बाबाओं का पॉलिटिशियंस के साथ भी अच्छा खासा संबंध होता है, जैसे कि राम रहीम ने 2007 में कांग्रेस को सपोर्ट किया, वहीं 2014 में बीजेपी को सपोर्ट किया। इन बाबाओं के पास फॉलोवर्स, मनी और पॉलिटिकल पावर तक होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है बाबा चंद्र स्वामी, जो 3 इंडियन प्राइम मिनिस्टर, 1 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, 1 वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम और 1 आर्म डीलर का स्पिरिचुअल गाइड भी रह चुका है। इसने तो इतने कांड किए हैं कि जब इसको 1996 में अरेस्ट किया गया, ये नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल तक के फ्रॉड कर रहा था। अक्सर आपने देखा होगा कि बाबाओं के आशीर्वाद से लोग ठीक होने लग जाते हैं। आपको क्या लगता है, ये चमत्कार है या बस आपके दिमाग से खेला जा रहा है? प्लेसिबो इफेक्ट, यानी खुद की इच्छा शक्ति से अपने आप को ठीक करना। मानो आप कमजोर फील कर रहे हो, मैं आपको एक पानी से भरा गिलास थमा दूं और कहूं कि इसमें दवाई है, आप उसको दवाई समझकर पी जाओगे और शायद आप बेहतर भी महसूस करने लग जाए। पर एक्चुअली में उस गिलास में केवल पानी था, लेकिन आपके दिमाग ने यह मान लिया कि उसमें दवाई है तो आप बेहतर महसूस करने लग जाओगे। इसी को कहा जाता है प्लेसिबो इफेक्ट। इसलिए लोग पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग करने से ही आपकी हाफ से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये बाबा जो सलाह देते हैं कोई जादू वादू नहीं है, जादू सिर्फ इतना है कि इनके फॉलोवर्स इनकी सलाह को सुन के मान लेते हैं कि इनकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। इसी वजह से लोग अपनी प्रॉब्लम्स का क्विक सॉल्यूशन पाने के लिए इन बाबाओं के पास जाते हैं, और ये बाबा कुछ उटपटांग नुस्खे भी बता देते हैं। आपने निर्मल बाबा के नुस्खे तो सुने ही होंगे। थोड़ा घर में परेशानी चल रही है बाबा जी। गाय को रोटी कब खिलाई भाई, ये बताओ कि रोटी पर घी लगा के कभी खिलाया था? नहीं, रोटी पे घी लगा के नहीं। एक बार खिला देना गाय जी, कृपा आ रही है, कोई घबराने की बात नहीं। प्लेसिबो इफेक्ट से काफी बार कुछ चीजें ठीक भी हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम प्लेसिबो इफेक्ट में नहीं है बल्कि इन बाबाओं के अंधविश्वास फैलाने से है, जिसके परिणाम बहुत बुरे तक भी हो सकते हैं। जैसे कि एक बार निर्मल बाबा के दरबार में आए हुए एक व्यक्ति ने पूछा कि वो अपना व्यापार कैसे बढ़ा सकता है, तो बाबा ने उसे खीर खाने की सलाह दी, जबकि वो एक डायबिटिक पेशेंट था। इससे उसका व्यापार तो नहीं बल्कि उसका शुगर लेवल बढ़ गया। ऐसा ही एक अजीब केस 2018 में सामने आया, जिसमें हैदराबाद के ओमयोजा बाबा अपने मंदिर के प्रसाद में ड्रग मिलाता हुआ पकड़ा गया, ताकि उसके भक्त ड्रग से मिली हुई हाई हीट को उस बाबा की वजह से आई हुई एक फीलिंग ऑफ प्लेजर से एसोसिएट कर सके। ये बाबा लोगों का ट्रस्ट गेन करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं,
जैसे कि अपने 10-12 लोगों को अपॉइंट करके रखना जो सबके सामने बताएंगे कि बाबा ने कैसे उनके दुखों को दूर किया। इनके पास और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती है, जैसे कि लोगों को भ्रमित करने के लिए इनका हवा में से चेन निकाल देना। ऐसे ही एक बाबा थे रत्नाकरम सत्यनारायण राजू, AKA सत्यशाई बाबा, जिसके पास 5 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे, जो अपने आप को साई बाबा का अवतार बताते थे। उनके फॉलोअर्स क्लेम करते थे कि उनके पास मरे हुए को जिंदा करने की शक्ति है। सत्य साई बाबा 1950s में अपनी लीलाओं के लिए जाने जाने लगे। वो बीच हवा में से रिंग्स और नेकलेस प्रकट कर सकते थे, जो वो अपने भक्तों को आशीर्वाद के स्वरूप में दे देते थे, और इस चमत्कार करके वो अपने मुख से सोने के अंडे भी निकाल सकते थे। पर जब इंटरनेट का दौर आया और थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी तो उनकी ट्रिक्स भी पकड़ी जाने लगी। इस वीडियो में तुम क्लियरली देख सकते हो कि बाबा के हाथ में कुछ है जिसे मसल कर भस्म और भभूति को उत्पन्न कर रहे हैं। एक और वीडियो है जिसमें ये मैजिशियन सेम ट्रिक करके दिखाता है जो सत्य साई करके दिखाते थे, जिसे देखकर कोई भी समझ जाएगा ये सिर्फ मैजिक ट्रिक से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अपने देश में लोग श्रद्धा के नाम पर इतने अंधे हो जाते हैं कि अपनी आंखों पर खुद ही पट्टी बांध देते हैं, फिर भले ही कईयों ने इन्हें सेक्सुअल अब्यूज के लिए अक्यूज क्यों ना किया हो। इंटरनेट पर तुम्हें कई ऐसे आर्टिकल मिल जाएंगे जिसमें कई लड़के और लड़कियों ने सत्य साई पर सेक्सुअल अब्यूज के एलिगेशन लगाए हैं। He lifted his robe and his dhoti up to his chest and showed me the whole bottom half of his body and told me to take my pants off, and then he tried to, I'm much taller than he is, he's like 5 feet tall maybe, and I'm 6'6", and he tried to climb up onto me. आजकल सबसे ज्यादा फेमस हो रहे हैं बागेश्वर धाम बाबा। अब बात करते हैं बागेश्वर सरकार की हिरेन किशन शास्त्री। आजकल दो दिन से तो हम खूब वायरल हो रहे हैं भैया। इनकी यूट्यूब पर करोड़ों की फॉलोइंग, हजारों लाखों की जनसभाएं और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ इनका उठना बैठना है। बाबा का यह दावा है कि बस आपको देखकर ही वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को समझ जाएंगे और उसका हल आपको बता देंगे। जैसे हमें प्रेरणा लग जाती है कि ऐसा होगा, वो हम लिख देते हैं और इष्ट कृपा से और अपने इष्ट के प्रति आस्था से वो बात सत्य निकलती है। इनके भक्त किस हद तक गुजर सकते हैं इनके लिए, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जैसे कि उड़ीसा के नरेश कई दिनों से रोड पर रोल करने लग रहे थे केवल बाबा के दर्शन करने के लिए, और इनका यह तरीका था कि बाबा को जताने का कि वो इनसे कितना प्रेम करते हैं। पर इस बाबा को कई लोगों ने फ्रॉड भी बताया है कि क्या एक बार फिर आस्था के नाम पर अंधविश्वास का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके सर में मारो जरा, गला पकड़ इसका, गला पकड़। पर क्या बागेश्वर धाम के पास सच में आपको पढ़ लेने की और आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की शक्तियां हैं, या ये भी और बाबाओं की तरह फेक गॉड मैन है? इस सवाल का जवाब हम आप पर छोड़ेंगे। ना कभी किसी का लालच और इच्छाएं खत्म होगी और ना इन बाबाओं का ढोंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अवेयरनेस फैला सके। एक झलक में जोगी की बिगड़ा भाग्य बनाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत फिर ना टिकने पाए। है जोगी रे, हम तो लुट गए तेरे प्यार में।